या हम अभी तक पकाई हुई रोटी खाते हैं? हमारे नीले झंडे के नेता उन पकाई हुई रोटियों पर राज करते रहे, वो हमारी वफादारी को निराम करते रहे, वो हमारी समझदारी को बेचते रहे, वो हमारे सपनों का सौदा करते रहे, और इससे तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और वही तो हम तय करें कि हम बेईमानी के साथ सौंप रहे। अगर 100 मिनट में हम है तो हमारा अखबार कहाँ है, हमारा टीवी कहाँ है, हमारा सोशल मीडिया कहाँ है? अगर इस देश में 90% आबादी बहुजनों की है तो आप एक एक रुपया जमा करो, एक एक रुपया जमा करो और बनाओ अपना मीडिया कैसे होगा। हम सब अपनी मीडिया की हत्या करते और छापे पीट रहे हैं कि हमारी खबरें आज तक नहीं दिखाता, हमारी खबरें सीने पे नहीं दिखाता, हमारी खबरें रिपब्लिक नहीं दिखाता। उसको नहीं दिखाना चाहिए, उसको नहीं दिखाना चाहिए। आप पूछो अपने नेताओं से, उन्होंने अपना मीडिया क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि उन्होंने हमारी समझदारी का सौदा किया। वो जातीय जनगणना से इसलिए डरते हैं कि इस देश की सड़कें हमने बनाई है, झूठे बर्तन हमने धोए हैं, होटल में हजामत हमने बनाया है, झूठे चप्पल हमने सिले हैं। यह देश हमारा है, हम इस देश को देखते हैं। मैं बहुत देर से सब लोगों को सुन रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, और बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत जरूरी बातें की हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन डॉक्टर उदित राज ने कुछ असहज सवाल उठाए और जरूरी है कि उन असहज सवालों से टकराया जाए। डॉक्टर लक्ष्मण ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की धज्जी उड़ा कर रखी। मैं जानता हूं लक्ष्मण, वो 12 साल से टेम्परेरी प्रोफेसर है, तुम टेम्परेरी की नौकरी परेशान हो। लेकिन इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और ये समझदारी हमको अंबेडकर नाम के आदमी ने, पेरियार नाम के आदमी ने, भुले नाम के आदमी ने हमको विरसे में दी थी। इन लोगों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने हमको सोचने की ताकत दी, एक स्वतंत्र दिमाग दिया। लेकिन क्या हमने वाकई उस स्वतंत्र दिमाग से सोचना जारी रखा, या हम अभी तक पकाई हुई रोटी खाते रहे? हमारे नीले झंडे के नेता उन पकाई हुई रोटियों पर राज करते रहे, वो हमारी वफादारी को निराम करते रहे, वो हमारी समझदारी को बेचते रहे, वो हमारे सपनों का सौदा करते रहे, और इससे तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और नहीं तो हम तय करें कि हम बेईमानी के साथ इस हॉल में बैठे। क्या हम सब लोग बेईमान बनने को तैयार हैं? या आज हम सोचेंगे कि हम अपने बीच से ऐसी लीडरशिप डेवलप करेंगे, हम अपने बीच से ऐसे एकेडमिशियंस को निकालेंगे, हम अपने बीच से ऐसे नौजवानों को निकालेंगे जिनकी आंखों में हमारी आंखों का सपना पड़ रहा है, और जिनकी आंखों में हमारी आंखों का सपना नहीं पड़ रहा है, उनकी न इस हॉल में जरूरत है, न इस हॉल के बाहर, न देश के बाहर। आप कहते हो कि जहां हमारे समाज के लोग हैं वो हमारे लोग हैं, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। तो माननीय काशीराम ने चमचाएज लिखा था, उन्होंने कहा था कि ऐसे तमाम गद्दारों को चुन चुन कर सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। आज हम शिकायत लेकर बैठे हुए हैं कि हमारा मीडिया नहीं है, हमारी बातें नहीं दिखाई जा रही है, हमको YouTube के पास जाना चाहिए, हमको Facebook के पास जाना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमारी सोशल मीडिया ताकत है। अरे हम किस बात पर छाती पीट रहे हैं मेरे भाई? कमाल है, आप कह रहे हो प्रिंट मीडिया बंद हो गया, हाय हाय हमारे पास कुछ नहीं, हाय हाय आप मजाक कर रहे हो? इस
इस साल 75 साल मना रहा है अपनी स्थापना के। आप बताओ इस हॉल में बैठे हुए लोगों और जाकर पूछना इस हॉल से बाहर जब निकलोगे तो कि पांच चन्ने जैसा कम्युनल अखबार मैगजीन ऑर्गेनाइजर स्वराज 50 साल तक तो सत्ता नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के पास, नहीं थी आरएसएस के पास, फिर कैसे निकलता रहा, कैसे जिंदा रखा उन लोगों ने। और आपका मुंह प्रेरक कहा है, कहा है प्रबुद्ध भारत, कहा है समता, कहा है चर्चा। हम सब हत्यारे हैं अपनी मीडिया, हम सब अपनी मीडिया की हत्या करके और छाती पीट रहे हैं कि हमारी खबरें आज तक नहीं दिखाता, हमारी खबरें सी न्यूज नहीं दिखाता, हमारी खबरें रिपब्लिक नहीं दिखाता। उसको नहीं दिखाना चाहिए, उसको नहीं दिखाना चाहिए। आप पूछो अपने नेताओं से उन्होंने अपना मीडिया क्यों नहीं खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने हमारी समझदारी का सौदा किया। हम छाती पीटने बैठे हुए हैं, हमारे पास हमारा समाज नहीं है, हमारे पास आपको पता भी है हमारी विरासत क्या है, आपको पता भी है हमारी सोच कहां से आई है, आपको पता भी है हमारे लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। और आज हम सब उसको मिट्टी में दफन करके और यहां रुदानियों की तरह बैठे हुए रो रहे हैं कि अब क्या करेगा। आप कह रहे हैं 100 में 90 हमारा है, हाँ है हमारा, है हमारा। तो आप बताओ ना, अगर 100 में 90 हम हैं तो हमारा अखबार कहाँ है, हमारा टीवी कहाँ है, हमारा सोशल मीडिया कहाँ है। अगर इस देश में 90% आबादी बहुजनों की है तो आप ₹1 जमा करो, ₹1 जमा करो और बनाओ अपना मीडिया किसके होगा। देश का 10% बहुजन भी अगर ₹1 देगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बड़ा अखबार, ₹1 देगा तो आज तक और जी और तमाम चैनलों से बड़ा टीवी चैनल खड़ा हो सकता है। आप कहां खड़े कर रहे हो मोबाइल फोन के चक्कर में, बड़े कैमरे खरीदो। रतनलाल जी कहते हैं हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मजबूरी की टेक्नोलॉजी के नहीं, सोशल मीडिया की जरूरत है। लेकिन इसलिए सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है कि हमारे पास अपना मीडिया नहीं है, हमको अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम अपने दिमाग से तैयार, आप सोचो किस दौर में हमें, जहां सोचिए जरा होशियारी को समझो कि ज्ञान माफी में खुदाई चल रही थी कि वहां हम कुछ पत्थर के स्ट्रक्चर खोज रहे हैं और भीतर भीतर तैयारी हो रही थी कि सेना में अग्नि मिल रहा। आप सोचो उनको लग रहा था कि मंदिर और मस्जिद में लगाकर हम इन लड़कों का हक मार देंगे, इनकी तो चोरी पकड़ी गई, इनकी तो चोरी पकड़ी गई। दरअसल ये मंदिर और मस्जिद नहीं खोद रहे थे, ये हमारा दिमाग खोद रहे थे, हमारे न्याय की पुकार खोद रहे थे, ये हमारे सपनों को खोद रहे थे, ये हमारे अरमानों को खोद रहे थे। और हम ऐलान करना चाहते हैं हम आपको नहीं खोदेंगे, हम आपको नहीं खोदने देंगे, हम मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाई नहीं करने देंगे, हम नहीं होने देंगे इस देश में फसाद। आप जानते हो हमको फसाद चाहिए नहीं साहब, हमको रोटी रोजगार चाहिए, हमको पढ़ाई चाहिए, हमको स्कूल अस्पताल चाहिए, हमको दवाई चाहिए, हमको हमारे अच्छे हॉल्स चाहिए, हमको तो अपना इलाज चाहिए। और आप कह रहे हो कि मंदिर में जाकर घंटा बजाओ, नहीं बजाओ उसमें हमारा हिस्सा ही नहीं है। तो आप सोचो कॉन्स्पिरेसी को कि आपको अपना मीडिया खड़ा क्यों नहीं करने दिया गया, और जिन लोगों ने नहीं खड़ा करने दिया है वही लोग कल को कहेंगे। आज आपको पता है अम्बेडकर साहब की तस्वीर सबसे बड़ी कहां लगती है, आरएसएस के मंचों, आरएसएस के मंचों पर अम्बेडकर साहब की सबसे बड़ी तस्वीर लगती है। नरेंद्र मोदी अक्सर जाया करते हैं अम्बेडकर मेमोरियल, तो आपको लगता है कि वो लोग अम्बेडकर वादी हो गए, हम कितने इनोसेंट लोग हैं, है ना। आज आप कह रहे हो कि नहीं हमारा बहुजन जहां है वो हमारा है। अरे भाई सबसे ज्यादा दलित सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी का है, तो हो गया ना, फिर तो देश में बहुजन का राज है। प्रधानमंत्री ओबीसी, सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के पास दलित, तब तो दलितों का राज आ गया ना, यही राज चाहिए था क्या, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी स्वतंत्र सोच छीनी गई है। लक्ष्मण यादव कह रहे थे कि जगदेव बाबू को मारा गया, कैसे मारा गया, उनके दिमाग में गोली मारी गई, उनके दिमाग में गोली मारी गई थी,
दिमाग में गोली मारना एक चेतावनी थी। वो चाहता हत्यारा वो थानेदार तो पेट में मार सकता था, पीठ में मार सकता था, कहीं और मार सकता था, लेकिन उसने दिमाग में गोली मारी क्योंकि वो इशारा था कि हम आपको अपने तरीके से सोचने नहीं देंगे, हम आपको अपने तरीके से सोचने नहीं देंगे, लेकिन हम अपनी समझदारी को अपनी चेतना को गिरवी रखने को तैयार नहीं। इस हॉल से आवाज जानी चाहिए, आप कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की बात कर रहे थे उदित जी, तो निकलिए पद यात्रा, निकलिए लोगों से कहिए कि हम अपना मीडिया खड़ा करना चाहते हैं, मैं तो अपनी जिंदगी छोड़ने को तैयार हूं, आपको बताइए हमारा साथ चाहिए, कब से कहां चल रहा है। लेकिन लफाजी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से बात होनी चाहिए। क्या और दूसरी बात, हमारी स्थिति पता है क्या हो गई। जयपुर की एक बड़ी सही सी घटना बता, एक वहां हलवाई थे तो कुछ लड़के उनको छेड़ते थे, वो घी पीते थे और कहते कॉमरेड क्रांति कब होगी, फिर अगले दिन होते थे कि क्रांति कब होगी, फिर पूछते थे कॉमरेड क्रांति कल भी नहीं होगी कैसे होगी। तो एक दिन जो जिनकी दुकान थी वो नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा कि क्रांति कोई घी है क्या कि रात को पी ली और सवेरे को रास्ते में खोज रहे होंगे आया कि नहीं। तो हमारी हालत वैसी है। अरे भाई 1925 से वो सत्ता की तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए हम जाएंगे, आप कह रहे हैं उनको क्लासरूम पर जाने की जरूरत नहीं है, तो आप सोचिए कि आरएसएस का बच्चा बच्चा क्लासरूम पर खड़ा है, आपके लिए क्लासरूम पर खड़ा होने के लिए कौन तैयार है, आपने तैयार किए हैं क्या। और अगर तैयार ही नहीं किए तो फूट कहां है, वो मिलेगा कहां। हवा हवाई बात नहीं, नरेंद्र मोदी की आप बात करते हो, आप योगी आदित्यनाथ की बात करते हो, आप अमित शाह की बात करते हो, इनके लाखों लाख कैडर खड़े होते हैं। अरे सोचिए, नोटबंदी जैसा हत्यारा कैंपेन खुश हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता आ गई, क्लासरूम पर वो नहीं है। इतना बड़ा तूफान हुआ कोरोना के समय में, उसके बाद वो चुनाव जीत गए, वो क्लासरूम पर नहीं है। तो हम क्या बच्चे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, वो सबसे ज्यादा क्लासरूम पर है, हमको उनको सोचने की जरूरत है, उनके दंगाई इरादों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कराके दंगा चला के बस्ती मुआवजा मारता है जो अब उठो में नहीं चल करके हमको है उसका खाना खराब करता है। ये कम्युनिज्म और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई एक साथ नहीं चल सकती, एक साथ नहीं चल सकती है। आप मुसलमानों को साथ सोचते हैं कि इस देश में 20 करोड़ मुसलमानों को असुरक्षित करके, पसमानदार को असुरक्षित करके, और आप सोचते हो कि आप एक देश एक राष्ट्र एक बोली एक भाषा बना लेंगे, ये होने वाला नहीं। तो जरूरत है कि हम सबको जोड़ने की कोशिश करें, जो लक्ष्मण कह रहे थे कि हमको पिछड़ों को भी साथ लाने की जरूरत है, हमको मुसलमानों को साथ लाने की जरूरत है। और जातीय जनगणना, वो जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं, क्योंकि ये देश हमने बनाया। वो जातीय जनगणना से इसलिए डरते हैं कि इस देश की सड़कें हमने बनाई है, जूठे बर्तन हमने धोए हैं, ठोकर में हजामत हमने बनाया है, जूते चप्पल हमने सिले हैं, ये देश हमारा है, हम इस देश को देखें, ये देश हमारा है, लेके रहेंगे, ये देश हमारा है। इसी के बुलाते में मत रहना मेरे दोस्त, हम सब एक एक हजार लोगों के बराबर है, हमारी सोच और समझदारी एक एक हजार लोगों के बराबर है। इस हॉल में कोई 500,000 लोग नहीं, मैं 10,00,000 लोगों को देख रहा हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज दूर तक जाए, और मैं जानता हूँ मेरी जितनी भी ताकत है, लक्ष्मण की जितनी भी ताकत है, बिना डरे हुए, बिना झुके हुए, बिना समझौता किए हुए, जहां तक चल सकते हैं चलेंगे, भले जाकर हम जेल की फाटक से टकरा जाए। आप सब लोगों ने बुलाया, मुझे सुना, इतने प्यार से सुना और इतनी क्रिटिकल चीजों को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री।